रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बारिश के लिए फिलहाल करना पड़ेगा इंतजार, तेजी से आगे बढ़ते मानसून की रफ्तार पर लगा ब्रेक। जोधपुर, उमस भरी गर्मी के कारण पसीने से भीगे मारवाड़ के लोगों को फिलहाल बारिश के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। तेजी से आगे बढ़ते मानसून की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, यही कारण है कि मौसम शुष्क हो चला है। प्री मानसून की बारिश का संकेत लेकर पहुंचे बादल भी तेज हवा के साथ चित्र आ गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिम राजस्थान में एक बार फिर से तापमान बढ़ सकता है और लू चल सकती है। ऐसा है मारवाड़ का मौसम। जोधपुर सहित पूरे मारवाड़ में इन दिनों उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। हालांकि तापमान 41 से 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन उमस के कारण लोगों को न तो घर में राहत मिल पा रही है और न ही बाहर। पसीने से निजात पाने को लोग बेसब्री के साथ एक अदद बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तेजी के साथ आगे बढ़ते मानसून ने लोगों को उम्मीद जगाई कि इसी सप्ताह एक अच्छी बारिश हो जाएगी, लेकिन उनकी उम्मीदें परवान चढ़ने से पहली धूमिल पड़ गई। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की तेज रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और इसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो चुकी है। इस कारण मौसम शुष्क हो गया है और फिलहाल बारिश का संभावना नहीं है। जोधपुर शहर पर मंगलवार सुबह छाए हल्के बादलों को देख उम्मीद जगी, लेकिन चल रही तेज हवा के साथ ये बादल भी छंट गए। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के कमजोर पड़ने के कारण इस सप्ताह राजस्थान में बारिश होने के आसार बहुत कम है। पूरे सप्ताह उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती रहेंगी और मौसम गर्म तथा शुष्क बना रहेगा। इस सप्ताह शुष्क मौसम के बीच तापमान में वृद्धि होगी, जिससे पश्चिमी राजस्थान में एक दो स्थानों पर लू का प्रकोप फिर से शुरू हो सकता है।